था कि हमें ये अपने कोई इरादों में कामयाब नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। समझा अपनी बहन को, जान ले लूंगा मैं लड़का नहीं किसी की। ये क्या बचपना चल रहा है तुम्हारा? तुम इस तरह अभाव और करण को अलग नहीं कर सकती। अगर इस घर में तुम्हें मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो तुम्हें इन लोगों को मान सम्मान और प्यार देना होगा। मेरी गुड़िया सो नहीं पाएगी, कहाँ चला गया मेरी गुड़िया का गड्ढा? मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो, लापरवाही से यहाँ हमारा दियोगी मिल जाएगी। कोयल जी, आपा खुद से तो कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन क्या हम उससे कोई गलती नहीं करवा सकते? करण, 4 साल पहले जो तुमने मुझे ठुकराया था, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। करण प्लीज, दोबारा ऐसा मत करना। मैं वही तुम्हें समझा रहा हूँ कोयल, कि 4 साल पहले जिस गलतफहमी का तुम शिकार बनी थी, वो गलती फिर से मत दोहराओ। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सही है और कौन खाली। Get out, Koyal! तन्वी बच्चा, आप अब तक सोए क्यों नहीं? आपने मेरी गुड़िया के गुड्डे को देखा? पता नहीं कहाँ खो गया। हमने तो नहीं देखा। अब मेरी गुड़िया को अकेले नींद नहीं आएगी। एक काम करते हैं, हमारे पास एक बहुत क्यूट सा टेडी है, हमारा फेवरेट है। आपकी गुड़िया से कहिए आज रात हमारे टेडी के साथ सो जाए, कल हम उसे उसका गुड्डा ढूंढ के देंगे। एक मिनट। ये देखो, है ना क्यूट? भगवान, आपसे सिर्फ एक विनती है, पापा का ऑपरेशन सफल हो जाए और वो जल्दी से घर वापस आ जाए। डॉक्टर झा का फोन आया था, वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, हमें निकलना होगा। हॉस्पिटल में सबको तुम्हारी जरूरत होगी, तुम गुड़िया की टेंशन मत लो, मैं उसे वैक्सीनेशन के लिए लेके जाऊंगी। और वैसे भी करण की बेटी मेरी बेटी। कोयल, फिलहाल गुड़िया को उसकी माँ की जरूरत है, एंड फ्रैंकली मुझे नहीं लगता तुम गुड़िया का ध्यान रख पाओगी, इसलिए प्लीज। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। तुम वैक्सीनेशन करवा के जल्दी आ जाना। हेलो, आभा घर से निकल गई है, वो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगी, काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को बचा लीजिए प्लीज। मिस्टर करण, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और हाँ, आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और हाँ, ये फॉर्मेलिटी सब पूरी कर दीजिए। आप पहले से पेपर साइन कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, वो बच्चे को टीका कहाँ लगवाते हैं? आगे से लैब। थैंक यू। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, 2 दिन के लिए पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। और हाँ, आप लोग एक बात का खास ख्याल रखें, पेशेंट को किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना पहुंचे। डोंट वरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे ध्यान से जरा। सॉरी। क्या हुआ? फोन ऑफ हो गया सडनली उसका। अरे, बच्चे के होते हुए ये सारा सामान नहीं उठा पाओगी। लो, बच्ची मुझे दे दो और सारा सामान अपना समेट लो। थैंक यू। ध्यान से। अब ये रखिए, भंडार रोने लगेगी। ओ, 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 ओ.